नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गार्डनिंग प्लेजर चैनल पर। अगर किसी वजह से आपके गुड़हल के पौधे में पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो इस वीडियो से आपके गुड़हल में होने वाली काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम बात करेंगे कि गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने के लिए क्या किया जाए और मौसम के अनुरूप कैसे इसकी देख रेख करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, कब कौन से फर्टिलाइज़र प्रयोग करें, इसकी कटिंग कब करें, मिलीबग जैसे कीट पतंग आदि से कैसे बचाव करें ताकि आपका प्लांट लंबे समय तक चले और आपको ढेर सारे फूल देता रहे। शुरुआत करते हैं मिट्टी बनाने से। अच्छी ग्रोथ के लिए हर तरह के पौधे की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो मिट्टी हमेशा पौधे की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही बनाएं। गुड़हल एक हैवी फीडर प्लांट है, यानी कि इसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और इसकी मिट्टी लाइट वेट होनी चाहिए ताकि पानी अच्छे से ड्रेन होता रहे। तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए 40% वर्मी कंपोस्ट, आधा छोटी चम्मच पोटाश का प्रयोग करेंगे और ड्रेनेज अच्छा रखने के लिए 20% रेत मिलाएंगे, बाकी 40% कोई भी मिट्टी मिला सकते हैं। फंगस न होने पाए इसलिए थोड़ी सी नीम खली लगभग 12 इंच के गमले में 50 ग्राम के हिसाब से डालें, और अगर नीम खली नहीं है तो इतनी मिट्टी में लगभग 2 से 3 ग्राम कोई सभी फंगीसाइड मिला दें। मिट्टी के बाद पौधे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सनलाइट और पानी। तो गर्मियों के मौसम में जो इसका ब्लूमिंग सीजन होता है, इसे 3 से 4 घंटे धूप में रखेंगे और सर्दियों में इसे ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे जहां 6 से 8 घंटे की धूप इसे मिलती रहे। अब पानी की बात करें तो इसकी मिट्टी में हल्की नमी रहनी चाहिए, इस तरह से देख रहे हैं आप। इसमें जब भी पानी दें तो मिट्टी को चेक कर लें, अगर मिट्टी ऊपर से सूखी है तभी पानी डालेंगे और अगर हल्की सी गीली या स्पंजी है तो अभी पानी नहीं देना है। सर्दियों में ओवर वाटरिंग से रूट रोट हो सकता है, तो पानी कभी भरा नहीं रहना चाहिए। और सर्दियों में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी पानी दें तो सुबह या दोपहर तक ही दें, शाम के समय पानी ना दें और रखा हुआ ठंडा पानी ना दें। ये गलती कई लोग कर देते हैं, इसमें हमेशा ताज़ा या हल्का गुनगुना पानी ही दें। तो सर्दियों में जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है उसमें भी आपका प्लांट अच्छा और स्वस्थ बना रहेगा। अब अगले तीसरे पॉइंट पर चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ, क्योंकि धूप और पानी के साथ साथ अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र भी उतना ही ज़रूरी है। गुड़हल के पौधे का जो ब्लूमिंग सीजन है वो है मार्च से नवंबर के बीच का। इसी समय अगर हम इसे पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो ये ढेर सारे फूल हमें देता रहेगा। इसके लिए सबसे आसान चीज़ है वर्मी कंपोस्ट, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे फर्टिलाइज़र जो हम घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, यूज की हुई चाय की पत्ती को भी धोकर और सुखाकर 4 से 5 दिन में डालते रहें, और चौथा है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो ग्रोथ एवं ब्लूमिंग को काफ़ी सपोर्ट करता है। इसे बनाने का प्रोसेस आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा पोटास और आयरन पाउडर भी 10 से 15 दिन के बाद आधा आधा चम्मच इसे दे सकते हैं। अब इसमें चाय की पत्ती तो 3 से 4 दिन में दे सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ब्लूमिंग पीरियड में 8 से 10 दिन में एक एक करके ही देना है, लेकिन गुड़हल के प्लांट में को फास्फोरस ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा सर्दियों में इसमें फूल आना बंद हो जाते हैं तो उस समय ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। और अब बात करते हैं कटिंग और गुड़ाई की। ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, इसकी पतली पतली रूट्स मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं, तो इसकी गुड़ाई 1 से 2 महीने बाद ही करें, क्योंकि ऊपर की रूट्स अगर डैमेज हो गई तो ये सारी कलियों को गिरा देता है। पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए, ढेरों फूल पाने के लिए इसकी कटिंग बहुत ही ज़रूरी है। कमज़ोर और साइड से बढ़ रही ब्रांचेस को काट दें और जहाँ से कटिंग की है उस जगह पर
फंगीसाइड का पेस्ट बनाकर जरूर लगा दें। इसके लिए आप किसी टूथब्रश की सहायता ले सकते हैं, नहीं तो इसमें फंगस लगने का खतरा हो सकता है। कटिंग हमेशा सही सीजन पर ही करें, इसका अच्छा टाइम फरवरी और मार्च का होता है, क्योंकि अगर इस समय आप कटिंग करेंगे तो बारिश का मौसम आते आते ये अपने पीक फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच जाएगा, और अगर आपने बारिश के टाइम इसकी कटिंग कर दी तो ये सारी एनर्जी प्लांट की ग्रोथ पर ही लगा देगा और कलियां आते आते सर्दियां आ जाएंगी। सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग वैसे ही कम हो जाती है। ज़्यादा सर्दी होने पर इसकी कटिंग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फंगस और डाईबैक की समस्या आ सकती है। इस दौरान सूखे हुए फूलों को तुरंत हटाते रहें, क्योंकि ओस पड़ने पर ये भींग जाएंगे और सर्दियों में इन्हें सूखने में काफ़ी समय लगता है, तो इससे भी फंगस लगने का डर रहता है। फंगस के अलावा गुड़हल को सबसे बड़ा खतरा मिलीबग से है। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अगर ये एक बार प्लांट पर आ जाएं और जल्दी ही इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये पौधों की नई नई कलियों और पत्तियों का रस चूसता रहता है और इतनी तेज़ी से बढ़ता है, धीरे धीरे पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। इससे बचने का पहला उपाय है 3 से 4 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, लेकिन इसका इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कीट में मिलीबग ही गुड़हल का सबसे बड़ा शत्रु है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा ये गुड़हल का प्लांट जो सारी समस्याओं से जूझते हुए अच्छी केयर और इस सारे ट्रीटमेंट के साथ आपके सामने स्वस्थ एवं फूलों से भरा हुआ खड़ा है। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी खास टॉपिक से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।